डियर स्टूडेंट्स, मैं ध्रुवचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 62 और यह एक्सरसाइज जो है चैप्टर 11 का लास्ट एक्सरसाइज है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड मिलेगा और मल्टीप्लाई डिवाइड लगभग आप लोग जानते ही होंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर नहीं दिखाऊंगा। ऑलरेडी कुछ बना ही हुआ है और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। तो लीटर्स में इसको शो करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 375 ml by 8, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी मैंने ये बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बी नंबर को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं 1 liter टू 50 ml। तो इसमें क्या है कि 1.250, ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट में लिखने की आवश्यकता नहीं। आप पॉइंट में लिखेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए या फिर आपको दिक्कत महसूस हो, तो इसीलिए आप सीधा लिखिए यहाँ पे 1250, जैसे कि मैंने लिखा है 1250, और यहाँ पे इसको 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो 14 यहाँ पे नीचे मैंने दे दिया, और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ठीक वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या करना है, 1 2 3 डिजिट गिन के और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, और ये लीटर, ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। कहीं भी आपको बीच में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पॉइंट लगाइए और आंसर बिल्कुल सही होगा। सी नंबर में बिल्कुल उसी तरह का है, तो सी नंबर में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये नंबर मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे और 25 से इसको मल्टीप्लाई किया, और इसमें 1 2 3 डिजिट गिनते हैं हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा लीटर, लीटर में दिखाने के लिए कहा गया है लीटर, ये आंसर हो गया इसका कंप्लीट। डी नंबर में, डी नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो नंबर दिया हुआ है 389, तो 38 उसके बाद 9 ml दिया हुआ है, तो बीच में जो है और 0 0 लगेगा इस पर, उसके बाद उसको 9 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो दिया, जो रिजल्ट आ गया है इस पर मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद 1 2 3 डिजिट गिनना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉइंट लगाना है, और ये आपका हो गया लीटर में, ये आंसर हो गया डी का, ये हो गया। तो ए नंबर का बना हुआ नहीं है, तो मैं ए नंबर का आपको बना के दिखा देता हूँ। तो 85 हम लोग पढ़ेंगे, 85 40 होता है, तो 0 हो गया, 4 बच गया, तो 87 56 और 4 60 हो गया, तो 60 के 0 हो गया और फिर 6 बच गया, 8 3 24 और 6 30 हो जाएगा, तो 30 तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 डिजिट गिनेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब है कि 3 liter हो जाएगा इसका, तो ये लीटर हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ई नंबर का, जो लगभग मैंने बना दिया है ई नंबर का, और एफ नंबर का नहीं बना हुआ है, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई में जो ये आंसर आया हुआ है, तो इसमें हम लोग पॉइंट लगाएंगे पहले, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, उसके बाद ये लीटर में आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा ई नंबर का। एफ नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 2 10 हो गया, 0 1 बच गया, 9 2 18 और 1 19 हो गया, 1 बच गया और ये 0 हो गया यहाँ पे, तो 1 बच गया जो हाथ में वो यहाँ पे आ जाएगा, और 9 2 18 आ जाएगा, 18 हम लोग लिख लेंगे, 1 क्रॉस लगाएंगे, 1 क्रॉस और फिर 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो जो ऊपर में जो रहता है वही सेम टू सेम नीचे आ जाता है, 5 हो गया, 9 हो गया, 0 और 9, ये हो गया, इसको कर देंगे प्लस, 0 9 5 9 5 14 हो गया, तो 14 4 हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे, 10 10 और 1 11, फिर 1 बच रहा है, तो 8 और 1 9 हो गया, और 9 1 10 हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 3 digit के बाद हम लोग इसमें पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट यहाँ लगेगा और ये लीटर हो गया और ये आंसर हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से डिवाइड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऑलरेडी मैंने सारा डिवाइड बना दिया है, तो एक ठो बाकी रखा है जिसको मैं यहीं पर सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है आप देख रहे हैं, तो पॉइंट कहीं भी रखना नहीं है आप लोगों को, यहाँ पॉइंट नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट डिवाइड देना है और ये जो आंसर आएगा उसके बाद आपको 3 digit के बाद पॉइंट दे देना है। इसमें क्या आया है, 1, तो पहले पॉइंट देते हैं, फिर 0 7 5, ये हो गया लीटर, लीटर में, और ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया कम्प्लीट। उसके बाद इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, तो 4 का टेबल 4 3 12 हो गया, ये कंप्लीट कट गया, 4 नीचे आया, 4 1 4 और ये कट गया, फिर 8 नीचे आ गया, तो 4 2 8 हो गया,
ये कट गया और ये जीरो नीचे आया और ये जीरो फिर यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है कि थ्री डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.120 लीटर और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी और डी में इसको मैंने सॉल्व कर दिया है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम लोगों को थ्री डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसका क्या हो जाएगा 9.010 लीटर और ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। और डी में भी मैंने पॉइंट नहीं लगाया है, तो इसका यहाँ सॉल्व किया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा 3.889 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। अब उसके बाद थ्री नंबर से जो है वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, वैसे तो सॉल्व किया हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। रोनी बाउट 5.500 लीटर पेट्रोल, रोनी कोई व्यक्ति है जो 5 लीटर और 500 मिलीलीटर 5.500 लीटर पेट्रोल खरीदता है और एक लीटर पेट्रोल का कीमत है 65 रुपीज़ पर लीटर, तो एक लीटर का कीमत हो गया ये। हाउ मच डिड ही पे फॉर द पेट्रोल, तो इतना वो पेट्रोल खरीद रहा है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर इसका आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना हम लोगों को थ्री डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो इतना रुपीज हो जाएगा, ये रुपीज हो जाएगा, इतना रुपीज लगेगा उसको इतना लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है यहाँ पे जो रुपीज में जब आता है तो ये पॉइंट तो यहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट के बाद तीन डिजिट ये वर्क नहीं करता है रुपीज में, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होता है, इसीलिए ये रुपीज में 357.50 ये हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ेंगे, एक्चुअली ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, राधिका अबाउट 1.250 लीटर मिल्क एट रुपीज 39 पर लीटर, राधिका एक लीटर मिल्क जो है वो 39 रुपीज़ में खरीदती है और ये मिल्क जो है एक लीटर से कुछ ज़्यादा खरीदती है। हाउ मच डीड द मिल्क कॉस्ट हर, तो उस दूध को कीमत चुकाने के लिए उसको कितना पैसा लगेगा, जिसको हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसके बाद जो है थ्री डिजिट दिया हुआ है, तो थ्री डिजिट के बाद हम लोग को पॉइंट लगाना है इसमें, लेकिन ध्यान रखना है कि ये पैसा है क्योंकि हम लोग को कॉस्ट निकालने के लिए कहा गया है, तो पैसे को लिखने के लिए हम लोग को पॉइंट के बाद तीन डिजिट नहीं लिखेंगे, हम लोग दो डिजिट लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा रुपीज 48.75 ये हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। और क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ से डिवाइड मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको। जिमी डिस्ट्रीब्यूटेड 25.950 लीटर केरोसिन ऑयल इक्वली अमॉन्ग 5 पर्सन, जिमी के पास इतना लीटर केरोसिन है, केरोसिन ऑयल है, तो उसको 5 लोगों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी पहले से डिवाइड नहीं किया हूँ, तो इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 5 5 जा 5 बार में जाएगा 5 5 जा 25 ये कट गया, फिर 9 तो 1 बार में जाएगा 1, 5 1 जा 5 कितना बार, ये 9 में 5 4 4 और ये 5 नीचे आ गया, तो 5 9 जा 5 9 जा 45 45 ये कट गया और नीचे में आ गया 0 और 0 आने के बाद यहाँ भी आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है ये कॉस्ट नहीं है, एक्चुअली ये ऑयल है और बांटा जा रहा है लीटर में है, तो इसको हम लोग पॉइंट के बाद तीन डिजिट रख सकते हैं, क्या होगा 5.190 लीटर, लीटर में आ रहा है तो ये लीटर में दिए और ये हो जाएगा आंसर, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और पता करेंगे कि क्या कह रहा है। महमूद फिल्ड 8 कंटेनर्स बाय 10.800 लीटर इंजन ऑयल, महमूद के पास 8 कंटेनर है, 8 बर्तन है और उसको उसके पास इतना लीटर इंजन ऑयल है, अब उसको सभी बर्तन में भरना है इंजन ऑयल को। हाउ मच इंजन ऑयल इज इन ईच कंटेनर, इक्वली भरना है तो वो कितना एक कंटेनर में कितना आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं पता चल जाएगा, तो ऑलरेडी मैंने किया नहीं है तो इसको करते हैं। यहाँ पे 8 1 जा 8 यहाँ पे आ गया और ये बच गया 2, उसके बाद 8 आ गया यहाँ पे, तो 8 3 जा 24
थ्री जा 24 हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 4। यहाँ पे आएगा 0, तो ये 0 आ गया। 85 जा 40 होता है, 85 जा 40, ये 40 कट गया और ये 0 यहाँ पे आएगा और वो 0 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को लीटर में निकालना है, तो इसीलिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा, क्या हो जाएगा 1.350। ये हो गया, तो ये लीटर आ गया और ये आंसर हो जाएगा इसका। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये क्या कह रहा है। इफ़ 5 बोतल्स होल्ड 6.250, ये बता रहा है कि 5 बोतल में 6 लीटर से अधिक कोको कोला है। हाउ मच कोको कोला इज़ इन 7 बोतल्स, तो फिर 7 बोतल में कितने कोको कोला होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड देंगे तो पता चल जाएगा कि एक बोतल में कितना है। तो वो जितना आएगा उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि 7 बोतल में कितना कोका कोला आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5 हो जाएगा, ये 5 वन जा 5 1 बच गया और ये 2 नीचे आ गया, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10 और ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे कट गया और ये 5 नीचे आएगा, तो 5 जा 25 ये पूरी तरह से कट गया और ये 0 नीचे आएगा, जब डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक बोतल में इतना है 1.250, ये इतना लीटर एक बोतल में है, तो हमको चाहिए 7 बोतल में। तो 7 बोतल के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1250, और ये 7 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, पता चल जाएगा कि 7 बोतल में कितना है। तो ये 0 हो गया, 75 से 35 5 हो गया, 3 बचा हुआ है, 72 जा 14 15 16 17 हो गया, 1 बचा हुआ है, 7 1 जा 7 और 1 8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट के, क्योंकि ये कोका कोला लीटर में है, तो 3 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब है कि 7 बोतल्स में इतना लीटर कोका कोला है, ये जो है यही इसका आंसर होगा, लीटर्स कोका कोला, ये आंसर हो गया इसका। और यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 62। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।